विधानसभा चुनाव के बाद मिली जीत के बाद जोधपुर के ओसिया में क्षेत्रीय विधायक दिव्या मद राणा ने कल सिरमड़ी, हरला, भीमसागर, भाखरी, भेड़, समराऊ, सारनगर, एखलखोरी, मीना की डाड़ी, महादेव नगर व चराई क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों पर आयोजित धन्यवाद सभा के दौरान गांव वालों से रूबरू होकर समस्या सुनी। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित धन्यवाद सभा में मद्रेणा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में आपने मेरे ऊपर भरोसा कर मुझे अपना पूर्ण समर्थन दिया। मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरा उद्देश्य जनता को सुशासन देते हुए उनके कार्य समय पर कराना। मैं ग्रामीणों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए गांव के लिए पेयजल परियोजनाओं के प्रोजेक्ट बनाकर वंचित बचे घरों को वापस जोड़ने का प्रयास करूंगी। मैं विधानसभा क्षेत्र में मौजूद किसी भी सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार को हर हाल में नहीं पनपने दूंगी, ना ही जनता के कार्य समय पर ना करने वाले अधिकारियों को बख्शूंगी। हम तो चार जना फेसबुक माते लिखते हैं कि आया नहीं मुझे पहल की तो नहीं बैठा मारनी है मुझे बार क्यों फेंकी होता है बोलो अटे यानी बीच ही यानी पता तेरे दूसरी जगह थोड़ी किया। इसलिए आपको इतना ही विश्वास दिलाने आई हूं कि आपके काम में, आपके विकास में, आपकी जरूरत में, आपके दुख में, खुशी में आए नहीं आए, आपके दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी पीड़ा के अंदर आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी मजबूरी में आपके साथ खड़े रहेंगे। और दूसरी बात जो मैं पहले भी कह के गई थी, आज भी कह के जा रहा हूं, गांव हित के जो काम होंगे, सार्वजनिक जो काम होंगे, वो मैं गांव के एक तरफा 90 पैसे जहां लोग बोलेंगे वहां कोई एक व्यक्ति के कहने से नहीं करूंगी। वो जान बंगले जान कह नाइजी और बटे चिड़ी मार। We'll be right back.